दोस्तों यह मूवी एक जेल के कैदी से शुरू होती है, तो चलिए मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि जेल में कुछ कैदियों के बीच दो ग्रुप के बीच आपस में फाइट शुरू होती है। उस समय गार्ड उन्हें रोकने के लिए उस पर पानी के बौछारों का इस्तेमाल करते हैं। जेल का वार्डन पार्क जेल में शांति बनाने के लिए इन झगड़ों को रोकना चाहता है, क्योंकि उसे उम्मीद था कि इससे उसको प्रमोशन मिलने में मदद होगा। वही मौजूद सुरक्षा प्रभारी जिसका नाम ले हांग है, वह भी मदद करना चाहता है और वह दोनों मिलकर ग्रुप के लीडर से बात करने का प्लान कर रहा था, ताकि इन दोनों लीडर में से एक लड़ना बंद कर दे। दूसरे ग्रुप के लीडर का नाम जे होन होता है, जो कि डीओ को मारने की कोशिश करते हैं, क्योंकि डीओ जेल को अकेले ही नियंत्रित करना चाहता है। लेकिन उसकी योजना सफल नहीं होती, क्योंकि गार्ड हर दिन नहाने के लिए लाइन में लगे सभी कैदियों की अच्छा से जांच करते हैं, ताकि यह कंफर्म हो सके उनके पास कोई हथियार तो नहीं है क्या, और वह लोग उन्हें शांत रखने के लिए और रात में कोई परेशानी पैदा करने से रोकने के लिए उन्हें उन कैदियों की तुलना में बेहतर भोजन देता है। अगली सुबह ली होंग को बताता है कि कल जेल में एक बहुत बड़ा गैंगस्टर आने वाला है और उसको चिंता है कि नया कैदी इस ग्रुप की स्थिति को खराब कर देगा। लेकिन ली होंग इसे अलग तरह से देखता है और वह कहता है कि जेल में एक स्ट्रांग कैदी होने से और डीओ के बीच लड़ाई बंद हो जाएगी और चीज़ें बेहतर हो जाएगी, क्योंकि इसके बाद हर एक गैंग लीडर को मानना पड़ेगी। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सभी कैदी बाहर घूम रहे थे, तभी जोंग ने डीओ को लड़ाई के लिए चुनौती दी। जंग होंग को यह पता चला कि डीओ को गुप्त रूप से नुकसान पहुँचाना चाहता है, इसलिए जोंग ने उसे कायर कहा तो डीओ गुस्सा हो गया और वह कमज़ोर नहीं दिखना चाहता था। वह जोंग से लड़ने के लिए तैयार हो गए। जैसे ही वह अपनी लड़ाई शुरू करते, उनके टीम मेंबर्स ने एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कि जेल में अफरा तफरी मच गई। लेकिन जंग होन और डीओ ने मना कर दिया। अगले दिन ताई नाम के एक आदमी का जेल में एंट्री होती है, जो कि बहुत ही ताकतवर था और सभी गार्ड ताई का बहुत ही अच्छी तरीका से स्वागत किया। पास में बैठे जोंग ने ताई का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, जिससे ताई को बहुत गुस्सा आ गया और उसने जोंग को लात मार दिया चेहरे पर, जिससे कि वह बेहोश हो गया। और उन सभी कैदी ने इस चीज़ को देखा और सभी के सभी चुप रह गए। इसके बाद ताई शांत हो गया। इसके तुरंत बाद पार्क और हुंग ने ताई से मुलाकात की। तब डीओ और जोंग हुंग को लड़ने से रोकने के लिए ताई से मदद मांगी, बदले में उन्होंने ताई की मदद करने का वादा किया। डीओ सेल में अपने दोस्तों से ताई की प्रतिष्ठा के बारे में बात कर रहा था। उसने ताई के साथ एक बार काम किया था। ताई एक सुरक्षा गार्ड हुआ करता था, लेकिन जब उसने एक महिला की मदद करने की कोशिश की तो गैंग स्टार ने उसे मारने की कोशिश की। फिर उसने उस लेडी को बचा लिया और फिर एक दिन उसे सो गैंग स्टार ने एक ग्रुप के खिलाफ लड़ना और सोचने की यह बात है कि वह अपने अमेजिंग एबिलिटी के कारण उन सभी को हराने में कामयाब रहा। कुछ सालों बाद तक ताई कोरिया का सबसे बड़ा माफिया बन गया था। अगले दिन ताई जब जेल में प्रवेश करता है, तब वह सभी से सम्मान अर्जित करता है। डीओ और जोंग सहित सारे कैदी उसके आगे सर झुकाते हैं और उसे अपने लीडर चुनते हैं। फिर उसे पार्क की बात याद आती है, जो कि जेल में इन दो गैंगस्टर को नियंत्रित करने के लिए कहा था। तब ताई इन दोनों को दोस्ती बनवाता और वह बिना किसी वजह से ताई की बात मानकर दोस्ती कर लेते हैं और फिर आगे से कभी भी फाइट नहीं करने का कसम खाते हैं और हमेशा मिलकर काम करने का वादा भी करते हैं। फिर डीओ और जोंग के बीच उन्होंने शांति बनाई और दोनों ने एक दूसरे से माफ़ी मांगे। पार्क यह सब कोई दूर से ही देख रहा था और बहुत राहत महसूस की, क्योंकि इसे अब इस जेल में झगड़ों का नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, ना इसे टेंशन आएगा। दोनों नेता के साथ मिल जाने से सभी कैदी में मेल हो गया और उन सब के बीच एक परिवार की तरह शांतिपूर्वक और प्यार का माहौल बन गया और ताई भी इन सब के बीच एक साधारण कैदी बनकर रहने लगा।
तब पार्क ने ताई को जेल के सबसे अच्छे सेल में डाल दिया, जिस सेल में डियो और उसके कुछ साथी रहते थे। डियो और उसके साथी भी ताई का बहुत इज्जत करते थे और ताई भी उन सभी का बहुत इज्जत करते थे और किसी चीज के लिए किसी को भी नहीं रोकते थे। कुछ समय बाद पार्क को जेल को सुरक्षित और शांतिपूर्वक बनाने के लिए प्रशंसा आई और उसका प्रमोशन हो गया और इसी खुशी में उसने जेल में अपने विदाई के रूप में एक शानदार पार्टी रखी। यहां तक कि उसने सभी कैदी के लिए महिला सिंगर को आमंत्रित करके मनोरंजन किया। सभी कैदी बहुत ही खुश थे और इस मनोरंजन का काफी फायदा उठाया। अब कुछ दिनों के बाद जेल में पार्क की जगह एक नया वार्डन आया। जब वह गाड़ी से उतरता है तब होंग उसका स्वागत करता है। तब होंग उसे जेल के बारे में सब कुछ समझाता है, जो कि वह एक मॉडल जेल मतलब प्रतिष्ठा वाले जेल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर अब मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि पार्क ने इस जेल को मॉडल जेल बना दिया था और अब इस जेल को सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिल चुका है और इसी के वजह से पार्क की प्रमोशन भी हुआ था। पर नया वार्डन इस बात से काफी चिंता करता है कि एक बदनाम जेल इतना अच्छा कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ आने की उसकी और एक वजह थी, जो कि काफी पर्सनल है, जो कि हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। अब होंग उसे बताता है कि इस जेल में जब से ताई आया है तभी से इस जेल में सभी कैदियों के बीच काफ़ी अच्छी और शांति बनाए रखती है और सभी लोग यहां पर भाईचारे से रहते हैं। लेकिन अब नया वार्डन जिसका नाम पोंगो है, उसने जब यह सब कुछ सुना तो वह काफ़ी नाराज हो गया। उसने कहा कि जेल में ताई जैसे कैदियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए और गुस्से में पोंगो ने होंगो को खूब मारा और बोला कि मुझे इस जेल में शांति नहीं बल्कि खूब हंगामा चाहिए पहले जैसे होता था। अब मार खाने के बाद होंगो, जो कि कैदी के साथ बहुत अच्छा से रहता था, पर अब वह बहुत सीरियस हो गया और उसने सभी कैदी को आदेश दिया और सभी कैदी को कठोरता से सभी को खड़ा होने के लिए कहा और सभी को खड़ा होना पड़ा। उसने जब डियो और एक आदमी को आलसी कंडीशन में देखा तो वह उसे बहुत गुस्सा हो गया और उसे बहुत मारा। इससे डियो और जो होंग को एहसास हुआ कि जेल में कुछ गड़बड़ है, नहीं तो होंग ऐसा इंसान कभी नहीं था, वह काफ़ी बदल गया है। तभी वह दोनों डिसाइड करते हैं कि जैसे जेल में चलता है वैसे ही चलने देते हैं और वह भी दूसरे कैदी के जैसे वार्डन के नए रूल के हिसाब चलने लगते हैं। फिर जब होंग पोंग से बातें कर रहा था, जिसने उन सभी सेल की जांच कराने और गैंग लीडर पर नज़र रखने के लिए कहा, क्योंकि वह कोई परेशानी नहीं चाहता था, इसलिए होंग ने ताई को काल कोठरी में डलवा दिया। फिर सारे कैदी के सेल की तलाशी ली। अब इसी बीच पोंग जब काल कोठरी का दौरा किया तो ताई उसे देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया और सारे कैदी से छुपाए गए सिगरेट और ड्रग्स मिले। बाद में जेल के नियम बहुत कठोर हो गए, 30 सेकंड के भीतर ही नहाने की अनुमति थी और कैदी को दिए जाने वाला अच्छा खाना भी बंद कर दिया गया, क्योंकि ताई को एक पुरानी घटना याद आ गई जहां कुछ युवक एक साथ कुछ लड़कों के साथ पार्टी कर रहे थे। पार्टी के दौरान ग्रुप के लीडर जुंग ने एक ड्रिंक में अवैध दवाई मिला दी और हू नाम की एक लड़की को जबरदस्ती पिलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन हुन को पता था कि ड्रिंक में क्या है। उस समय उसने मना कर दिया और जुन को काफी गुस्सा आ गया। फिर उसने उसके सिर पर मारना शुरू कर दिया, जिससे कि उसके सिर से बहुत खून निकलने लगे। यह सब देखकर काफी लोग हैरान रह गए और उसने गार्ड को बुलाया और जुन को शांत करने की कोशिश की, लेकिन जुन ने टूटी हुई बोतल से उसे धमकाया और जैसे ही ताई पर हमला करने वाला था वह फिसल के गिर गया, जिससे कि वह टूटा हुआ बोतल उसके छाते में घुस गया और उसकी वहीं पे मृत्यु हो गई। इसलिए ताई को गलत साबित करके 5 साल के लिए जेल में डाल दिया। इसमें ताई की कोई गलती नहीं थी। हमें पता चलता है कि जोंगो किसी और का नहीं बल्कि वार्डन का ही बेटा था, इसलिए वार्डन ताई से बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है और यही उसका पर्सनल कारण है। फिर इस घटना के बाद ताई ने उस लड़की से शादी कर लिया। उस लड़के का नाम उन था। इसके चलते वार्डन ताई के प्रति काफी नफरत करता है
और इसलिए उसके हालात और खराब कर देते हैं। वार्डन ताई की सजा को 10 साल तक और बढ़ाने की धमकी देता है और वार्डन ताई को इस जेल से ट्रांसफर करके जहां उसकी पोस्टिंग होगी वहां पर ले जाने की कोशिश करता है। वही पोंगो होंगो को ताई को बांध के पीटने का आदेश देता है। भले ही होंगो को पोंगो की ऑर्डर अच्छा नहीं लगता लेकिन वह कर भी क्या सकता है, उसे नौकरी खोने का डर है और वह भी नौकरी खोना नहीं चाहता है क्योंकि उसका भी परिवार है। फिर उसने डीओ और जोंग उनको वापस उनकी कोठरी में डाल दिया लेकिन वह चाहता था कि वह एक दूसरे के प्रति दुश्मन बने रहे जैसे वह पहले रहते थे। वार्डन चाहता था कि वे दोनों जेल के कठिन महलों को फिर से बनाएं। इसके लिए होंग डीओ और जोंग से बात करता है। पोंगो ताई पर कोई बड़ा इल्जाम लगाने को कहता है। वह कहता है कि जेल में ड्रग सप्लाई करने का इल्जाम उसके ऊपर लगा दो ताकि वह जिंदगी भर के लिए जेल में ही सर के मार जाए और उन लोगों को ऐसा करने पर उन लोगों को जल्दी ही जेल से छोड़ दिया जाएगा, लेकिन इस पर वह साफ साफ मना कर देता है पर जोंग इसके लिए राजी हो जाता है। एक दिन उन जेल में ताई से मिलने के लिए आई लेकिन उसे पोंग के कमरे में जाने के लिए कहा गया और उनके कमरे में चली गई। तभी पोंग उन्हें झूठ का बोलता है ताई एक अच्छा कैदी है और वह कहता है कि वह अभी ठीक है। उसने यह भी कहा कि मैं ताई को यहाँ बुला लेता हूँ जिससे तुम्हारी बात हो जाएगी। उनको एक ड्रिंक देता है और उन इस जेल के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी इसलिए उन उस पर विश्वास कर लेती है और वह ड्रिंक पी लेती है। ड्रिंक में पोंग ने नींद की गोलियां मिलाया था और वह पीते ही सो गई। पोंग ने इसका फायदा उठाया और ताई को यह आ जाने तक उसके शरीर के कुछ हिस्से का फोटो क्लिक कर लिया। ताई ने यह सब कुछ देखा तो वह काफी क्रोधित हो गया लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका क्योंकि उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था और वह पोंगो के आदेश पर उसे पीटने लगा। तभी ताई बेहोश हो गया। उस समय बाद पोंग ने जोंग को बुलाया और उससे एक सौदा किया और बोला कि अगर तुम ताई को बंधक बनाकर ब्लैकमेल करके उसे जान से मार डालोगे तो मैं तुम्हें इस जेल के लिए हमेशा के लिए आज़ाद कर दूंगा। और यह सब बात सुनकर जोंग पोंग का बात मान लिया और ताई को मारने के लिए तैयार हो गया। फिर पिंगो ने उसे यह बोलकर रिहा कर दिया कि उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार है और ये माँ को देखना चाहता है। जब ताई को इसका पता चला तो वह बहुत ही परेशान हो गया कि कहीं वह लोग उसकी बीवी को नुकसान ना पहुंचा दे और वह जेल से भागने का प्लान बनाने लगा। फिर साथ वाले सेल के एक कैदी ने उसे भागने का एक प्लान बताया। ताई को यह प्लान बहुत ही बढ़िया लगा। तब कुछ देर के बाद वहां पर एक गार्ड चेकिंग करने के लिए आता है। तभी उसे ताई के सेल में बहुत बदबू आ रहा था। फिर उसने उसे आवाज लगाई लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। तभी साथ वाले सेल का कैदी कहता है कि शायद वह बीमार होके बेहोश हो गया हो। यह सुनकर गार्ड उसके सेल को खोलता है और वह देखता है कि ताई बेहोश पड़ा है और उसने यहाँ पर पोटी भी कर दी है। तभी अचानक से ताई उस गार्ड पर हमला कर देता है और उसे मार के बेहोश कर देता है और उसकी यूनिफॉर्म पहन कर बाहर निकल आता है। फिर वह अपने साथी कैदी का शुक्रिया अदा करते हुए वह जेल से बाहर आता है। तब वह डीओ और उसके कुछ साथी से मिलते हैं और वह लोग उसे पहचान जाते हैं। इधर ताई कुछ लोगों से कहता है कि मुझे भागने के लिए तुम लोगों की मदद चाहिए, तुम लोगों को एक सीढ़ी की तरह बनना पड़ेगा जिससे कि मैं दीवार से इस पार से उस पार चले जाऊं। यह सभी लोग ऐसा ही करते हैं जिसके बाद ताई उस दीवार के पार हो जाते हैं। इधर जब उस गार्ड को होश आता है तो वह चिल्लाने लगता है कि ताई भाग गया। अब होंग पोंग को बताता है कि ताई जेल से भाग गया है। तब पोंग होंग के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और बहुत कुछ सुनाता भी है और कहता है कि यह बात किसी भी हाल में जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो उसकी नौकरी जा सकती है क्योंकि दो दिन के बाद यहाँ पर सुपरिटेंडेंट आने वाले हैं जेल को चेक करने के लिए। तभी होंग सभी कैदियों के पास जाता है, उनसे कहता है कि यह बात जेल से बाहर नहीं जाना चाहिए कि ताई यहाँ से भाग गया। तभी सभी कैदी को भोजन
और आज़ादी भी मिलेगा। इतना सुनते ही सभी कैदी खुश हो जाते हैं। इधर दूसरी तरफ ताई उनका फोटो दिखाकर लोगों से उसके बारे में पूछता है, क्योंकि वह लापता हो गया था लेकिन उसके बारे में किसी को नहीं पता था। तब वह बहुत परेशान हो जाता है। इधर जेल में सुप्रिटेंडेंट पहुंच जाते हैं और हैंग पोंग दोनों उसका स्वागत करते हैं। सुप्रिटेंडेंट को वह दोनों ऑफिस में ले जाकर बिठाते हैं। इधर दूसरी तरफ जोंग के गुंडे दिखते हैं, जो कि कुछ देर के बाद वह जोंग से मिलने के बाद और उसके आने की खुशी में पार्टी करने वाले थे। तभी ताई उन लोगों से उनके बारे में पूछता है, पर वह लोग उनसे लड़ने लगते हैं। तभी ताई को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह उन लोगों को बहुत जोर जोर से पीटने लगते हैं। तब वह लोग उसे उनका पता बता देते हैं। फिर वह उनके पास जाता है। वह देखता है कि दो लोग ने उसे बंदी बना के रखा हुआ है। फिर वह उन दोनों से लड़ता है और पीट पीट कर हालत खराब कर देता है। तभी वहाँ पर जोंग भी आ जाता है और फिर उन दोनों के बीच काफी लड़ाई होती है। कुछ देर तक लड़ाई चलने के बाद जोंग ताई के पेट में चाकू मार देता है। इसके बाद ताई किसी तरह से जोंग को हरा देता है और अपने वाइफ को बचा लेता है। फिर वह न्यूज और मीडिया को कॉल करके बता देता है कि वार्डन के रहते हुए जेल से जोंग और ताई भाग गया। जिसके बाद इधर ऑफिस में देखते हैं, बहुत सारे मीडिया वाले पहुंच जाते हैं और उसे सवाल जवाब करने लगते हैं कि आपके रहते हुए कैसे ताई और जोंग इस जेल से भाग गया। इतना सुनते ही सुप्रिटेंडेंट बहुत गुस्सा हो जाता है और पोंग को सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। जिसके बाद पोंग इधर की बात उधर करने लगता है और होंग से बोलकर मीडिया वाले को जबरदस्ती ऑफिस से बाहर निकलवा देता है। तभी सुप्रिटेंडेंट पोंग का मोबाइल लेता है और उसके मोबाइल में उनकी गंदी फोटो देखते हैं। तब सुप्रिटेंडेंट होंग को धमकाते हैं और उससे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है, नहीं तो उसकी भी नौकरी चली जाएगी। तब होंग भी पोंग के सारे बात को बोलकर उसके राज खोल देते हैं। यह सब सुनने के बाद सुप्रिटेंडेंट को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह पोंग की उसकी जॉब से सस्पेंड कर देता है और उसे जेल से बाहर भिजवा देता है। इधर गिरते पड़ते ताई किसी तरह से जेल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसने अपना काम पूरा कर लिया और उसने अपने बीवी को भी बचा लिया। तभी गार्ड उसके पास आते हैं और उसे अंदर लेकर जाते हैं। डीओ और सभी कैदी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। अब हमें कुछ दिन का बाद सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं ताई को जेल से रिहा कर दिया जा रहा था। तभी वह डीओ के पास आता है और होंग भी वहीं पर था। और तभी ताई ने उन दोनों में फिर से दोस्ती करवाता है और भाईचारे के साथ रहने के लिए कहता है और कभी भी रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहता है और कहता है कभी तुम लोग आपस में लड़ाई नहीं करोगे और सभी लोग अच्छे से रहोगे। फिर जोंग भी उसे माफी मांगता है और वह भी माफ कर देता है। अब मूवी के लास्ट सीन में हम होंग को देखते हैं, जो कि इस जेल का वार्डन बन चुका है और वह अब पहले जैसे फ्रेंडली हो चुका है। फिर वह फोन से पार्क से बात करता है, तब पार्क उसे बधाई देता है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह मूवी? अगर आपको यह मूवी अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।